ये देखिए मस्त बिक चुका है। और इसमें ना गोबर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी मैं करने वाली हूँ किचन रूम की पोथई। सबसे पहले ना यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं। हे देखिए, मैं मिट्टी लेके आ गई हूँ और मिट्टी को ना भिगो भी दी थी। ये देखिए मस्त बिक चुका है। और इसमें ना गोबर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैं पानी वगैरह भी ये देखिए लेके आ गई हूँ, और मिट्टी भी थोड़ा सा ज़्यादा लेके आई और वहाँ पे झिल्ली में भर दी हूँ। इसको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और बाल्टी में डालेंगे। मैं बाल्टी में डाल देती हूँ मिट्टी को, थोड़ा सा मैंने बचा के रखूँगी इतना सा। और इसी को कटाई करेंगे अभी इतना सारा को, और मैं इसको ले लेती हूँ और ना थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। मैं ना मिट्टी लेके आ गई हूँ, चलिए अभी ना कटाई कर लेते हैं। फ्रांस में ना ऊपर ऊपर में पोताई करी हूँ, मस्त दिखाना है लाल लाल। मस्त लग रहा है। नीचे पोताई करना बाकी है, मैं ऊपर ऊपर में एक साथ ही कर दी हूँ। नीचे में फिर एक साथ में कर दूंगी। फ्रांस मैंने अंदर में पोताई कर ली हूँ। ये देखिए मस्त लग रहा है ना अब लाल लाल। नीचे में भी एकदम सा हो गया था, अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। और अभी मैं ना बाहर में पोताई करूँगी, बाहर में भी अच्छा नहीं दिख रहा है ना। फ्रांस फाइनली मैं पोताई कर ली हूँ, और अभी मैं दूंगी जो बाल्टी में पोताई करी ना उसको और नक्की वगैरह, और रात में भी दूंगी। और आज की इस ब्लॉग को करते हैं पे हैंड। और आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं इतना मेहनत की हूँ ना, उसमें पानी ना फिर जाए, बहुत ही ज़्यादा बादल रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि अब भी गिरेगा। अगर पानी गिरा ना तो फिर पूरा भर जाता है यहाँ पे।